Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So be an eye-fight. Fulfill your dreams and start making other people's dreams. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. भाजपा मोदी और योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के दावे कर रही हो, लेकिन लाभकारी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के नाम पर जमकर लेखपाल और सचिव भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं और ग्रामीण लाभकारी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण कानपुर देहात की कई ग्राम पंचायत बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरवनखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत आलापुर, ग्राम पंचायत भरतपुर प्यासी, ग्राम पंचायत सैथा और ग्राम पंचायत हिलोटी में शौचालय, आवास और स्कूल कायाकल्प बाउंड्री बाउल निर्माण के लिए आने वाले लाखों रुपए के बजट का बंदरबाट करने में ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान करने में लगे हुए हैं। कौन सी मिली थी? ये 1,25,000। 1,25,000 कितना मिला था आपको? हमको 80,000 मिला। 80,000 में, और इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं मिला। तो बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा अभी देखा भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। प्रधान जी ने कोई पैसा लिया? हाँ, प्रधान जी लिया। कितना पैसा लिया? 20,000 लिया। 20,000 लिया। तो पैसा तो आपके खाते में आया होगा? हाँ, खाते में आया था। तो बाकी बोले ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, तो 20,000 रुपया बोला तो लिए। 20,000 सब लोगों से लिया, जितने लोग। यानी धमका के लिया है कि पैसा नहीं दोगे? कितने लोगों से लिया लगभग? अरे वही लगभग 10-12 लोग थे हमारे पास में। तो पैसा जब खाते में आया था तो क्या उठा के दिए थे प्रधान को? हाँ, उठा के लिया था। पहले मांग रहे थे तो पैसा, गरीब आदमी तो कहाँ देता, हम देते पहले दिए नहीं तो फिर बाद में लिए। शौचालय के लिए कितने पैसे लिए गए थे? 1,000। कितने लिए? प्रधान ने। किस गांव के प्रधान ने? नंदपुर के। क्या कह के लिया था? संतोष ने कह के क्या लिया? लैट्रिन बनवाएंगे। लैट्रिन बनवाने के नाम पर लिया? और क्या, वही शौचालय होता है। लेकिन शौचालय नहीं दिया? नहीं दिया। आप क्या कहते हैं? हमारे ये मतलब है कि हमारा शौचालय बनना है, ठीक। पैसा 1,000 नहीं, 1,000 और लें, नहीं तो 12,000 खाते में भी आ जाए। तब हम काम, हमार बहन बिटिया और औरतें कहाँ जाती हैं? खेतन माँ। और दूसरा आदमी गाली देते हैं, गांव के लंबरदार गाली देते हैं, मार्जिन क्वालिटी के। अच्छा ये बताओ भाई साहब, क्या गांव में इस प्रकार से और भी बहुत से लोग होंगे जिनको शौचालय नहीं मिले? जी भैया जी, पैसे लिए गए? हाँ जी, समस्या है नाली खरंजा, इतनी बड़ी गंदगी रहती है। सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर इतना भ्रष्टाचार गांव में फैलाए हुए हैं, किसी को कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना शौचालय है ना आवास है। एक एक आदमी को 3-3 आवास आवंटित हुए क्यों हुए? इस समस्या का समाधान हमें चाहिए। इतनी बड़ी गंदगी है और जो प्रधान और सेक्रेटरी जो कहते हैं हाँ 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 हो जाएगा हो जाएगा, आज तक किसी चीज का समाधान नहीं हुआ है। आप आकर के खूब नाली खलंजा, बीमारियां इतनी बड़ी गंदगी गांव के अंदर फैली हुई कि बीमारियां फैल रही हैं, इसका कोई समाधान नहीं है। अब केवल प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर लोग कर रहे हैं। तो क्या ये शौचालय के नाम पे पैसे भी ले रहे हैं? हाँ लेते हैं, एक किस्त मिलती है दूसरी कह देंगे आ जाएगी। अब कब आ जाएगी ये पता नहीं कब आएगी। कुछ ऐसी चेक हैं कि उनके पैसे भी उठा लिए गए हैं, बाद में उनको 100-200 करके दिए गए हैं। गांव में हमने देखा कि आलापुर के पास नंदपुर गांव था, अभी नया स्कूल की बाउंड्री बनी है। जी जी, कई जगह से बाउंड्री चटकी है। जी बिल्कुल चटकी हुई है, क्योंकि उसमें मटेरियल नहीं लगाया गया है और लगभग वहाँ पे 1,00,000 रुपए दिखाया गया है मिट्टी का, लेकिन अभी उसमें 20,000 की मिट्टी नहीं पड़ी हुई है। मिला के भ्रष्टाचार जम के किया जाए? बिल्कुल जम के। मिट्टी भराई हुई है और इंटरलॉकिंग बाउंड्री वाल बनी। अच्छा, जो बाउंड्री वाल बनी, इस पे मटेरियल जो पड़ा है किस तरीके का इस्तेमाल हुआ है? बालू का यूज हुआ और डस्ट का? डस्ट भी। तो क्या मानते हैं कि डस्ट के लिए जब रोक लगा रखी है तो डस्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये तो हमें कुछ प्रॉपर
कुछ सूचना तो मिली नहीं है कि क्या मटेरियल यूज होना क्या बनना है, तो हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा, जो काम प्रधान करा रहे हैं वही है प्रधान और सेक्रेटरी। हाँ हाँ, तो यहाँ किसी संस्था ने काम किया होगा, प्रधान और सेक्रेटरी बनवाए। सभी मामलों से डीएम राजेश कुमार सिंह को अवगत कराया तो डीएम महोदय ने जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है कि सैथा, आलापुर, भरतपुर, प्यासी और हिलौटी इन ग्रामों में जो ग्राम पंचायत के स्तर से कायाकल्प के अंदर जो विद्यालयों में बाउंड्री का या कोई अन्य जो भी वहाँ कार्य कराया जा रहा है या गाँव में जो नाली खड़ा है इसका काम हो रहा है और उसमें डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, गुणवत्ता उसकी सही नहीं है। इसके अलावा ये भी ये ज्ञात हुआ कि जो शौचालय वहाँ पर उसको प्रथम किस्त 6,000 रुपये की दी गई और उसके बाद वो शौचालय अभी आज की तारीख में पूर्ण नहीं है, तो ये बहुत गंभीर बात है और प्रथम दृष्टया मुझे ये लगता है कि अगर ये इसमें सत्यता है तो निश्चित रूप से वहाँ के जो प्रधान हैं और सचिव हैं उनके स्तर पर ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये इस तरह की बात हुई है, तो इसकी यहाँ मुख्यालय स्तर से मैं स्टूडियो से बात करके इसकी एक टीम गठित करा के इसकी जांच भी कराएंगे और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी होगी और ये जो भी खराब काम उन्होंने किया है उसका सुधार भी किया जाएगा और ये इंश्योर करेंगे कि आगे से इस तरह के काम न हो। सरकार गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सरकारी लाभ पर योजनाओं के लिए लाखों रुपए के बजट को जारी किया गया है, लेकिन दलाल सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। 7 इंडिया न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।